बिहार राज्य पाठ्यपुस्तक प्रकाशन लिमिटेड द्वारा एक बहुत बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। दरअसल सर्व शिक्षा अभियान बिना टेंडर के बांट दिया गया काम बिहार राज्य पाठ्यपुस्तक प्रकाशन लिमिटेड के बिना किसी ओपन टेंडर के अपने चहेते 20 मुद्रकों को 9 करोड़ का काम दे दिया गया है। जबकि इस काम को ओपन टेंडर के द्वारा करवाया जाता तो इसकी कीमत करीब 7 करोड़ पड़ती। इतना ही नहीं, उन्हें न्यूनतम दर से अधिक पर काम दिया गया है। निगम द्वारा मांगी निविदा में 2 मुद्रकों ने न्यूनतम दर 2.52 एवं 2.54 दिया था। इसके बावजूद निगम ने बिना टेंडर अपने चहेतों को 3.35 रुपए प्रति दर के काम से अपने 20 चहेतों को दे दिया। ये न्यूनतम दर से अधिक है। हैरानी की बात तो यह है कि शिक्षा विभाग के टॉपर्स घोटाला के तुरंत इतना बड़ा घोटाला बहुत गंभीर मामला है, और इतने गंभीर मामले की जानकारी होते हुए भी सुशासन बाबू शांत है। इस बात का समाधान तो यह है कि सरकार को हरकत में आते हुए जांच करनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान बिना टेंडर के बांट दिया था। बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन लिमिटेड ने अपने 20 दुलरुए मुद्रकों को प्रकाशन का काम 9 करोड़ रुपए में बिना ओपन टेंडर के दे दिया। मित्रों, यह एक बहुत बड़ा घोटाला है जो खुलकर सामने आ रहा है। यह काम अगर पाठ्य पुस्तक प्रकाशन लिमिटेड ने ओपन टेंडर के जरिए दिया होता तो यह काम मात्र 7 करोड़ रुपए में हुआ होता, और जो न्यूनतम दर थी जिस पे काम होना था वह 2 मुद्रकों द्वारा दिया गया था, वह था एक मुद्रक ने 2.52 रुपए के प्रति दर के हिसाब से रेट दिया था और दूसरा मुद्रक ने 2.54 रुपए प्रति दर के मुद्रक के रेट के हिसाब से काम का मुद्रक दिया था। परंतु इन दोनों को दरकिनार करते हुए 3.35 रुपए प्रति दर के हिसाब से काम को अपने 20 दुलरुए मुद्रकों को दे दिया और यह घोटाला कर दिया। सबसे हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री तक यह मामला जा चुका है। विपक्ष के कई नेता इस पर सवाल उठा चुके हैं, पर सरकार जाग नहीं रही है। सरकार इस मुद्दे पर कान में तेल डालकर सोई हुई है। बिहार राज्य पाठ्यपुस्तक प्रकाशन लिमिटेड ने इतनी बड़ी घोटाले को अंजाम दिया, शिक्षा विभाग में इतनी बड़ी मनमानी कैसे हो गई, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो है इस पर दोषी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार इस पर मौन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता से संरक्षण मिलते हुए यह घोटाला भी टॉपर्स घोटाला की तरह हुआ। और वो भी क्यों ना, जब इस महागठबंधन की तस्वीर को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसमें शामिल दल कहीं ना कहीं पहले भी घोटालों के आरोप में संलिप्त रहे हैं और कहीं ना कहीं घोटालों में लिप्त रहे हैं। मित्रों, इस महागठबंधन के दलों की बात करें तो इसमें है कांग्रेस, जो घोटालों की जननी कही जा सकती है, जिसने केंद्र में रहते हुए 2G का इतना बड़ा घोटाला किया, लैंड स्कैम किया, कोयला घोटाला किया, हेलीकॉप्टर घोटाला किया, और उसके बाद दूसरी पार्टी है राजद, जिसके मुखिया चारा घोटाला में सजायाफ्ता है, उनकी संसद की सदस्यता भी सजायाफ्ता होने के बाद छीन ली गई थी। तो ऐसे लोगों के साथ जब सरकार बिहार में चलेगी तो घोटाले होने कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसे घोटाले पर मुख्यमंत्री काम न करें यह थोड़ा संदेहास्पद है, क्योंकि वो सुशासन बाबू अपने आप को समझते हैं। तो सुशासन में ऐसे कांड होते हैं तो उस पर त्वरित कार्रवाई होती है, ना कि ऐसे कांड में तेल डालकर सोया जाता है। अंतिम में मैं ये कहूँगा, कांग्रेस ईट लालू रोड़ा नीतीश कुमार ने कुनवा जोड़ा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की ओर से अभिलाष की रिपोर्ट।